सो ये सिंगल है एंड मेरा फर्स्ट मतलब मेरा फर्स्ट ड्यूएट है इनके साथ. एंड पहला जो मैं गाना लेकर आई थी ना तुम हमें जानो, वो भी हेमंत कुमार का था. और इस बार मैं जो लेकर आई हूँ वो भी हेमंत कुमार का है, याद किया दिल ने. बहुत ही उनका फेमस गाना है. बट अनफॉर्चुनेटली जो कॉलेज में है, जो हमारा जनरेशन है, आधे से आधे लोग जानते भी नहीं हैं यू नो कि ये गाना क्या है. सो मुझे जब मैं ये गाना सुनाती हूँ लोगों को, तो स्पेशली इफ देयर इन कॉलेज, दे थिंक इट्स अ न्यू सॉन्ग, दे थिंक इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. सो बट आई इट वाज जस्ट एन अटेम्प्ट कि मैं हेमंत कुमार का जो वो मैजिक है वो वापस फिर से लाऊँ अपने इस जनरेशन के लिए. मैं प्रीतिका को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, वी बीन फ्रेंड्स फॉर अ व्हाइल नाउ. और जब भी उन्होंने मुझे अप्रोच किया है गाने के लिए, तो मुझे पता नहीं था कैसे होने वाला है, क्योंकि मैंने इनका आवाज़ कभी सुना नहीं था. लेकिन जब हम लोग स्टूडियो में प्रैक्टिस करना शुरू किया और जब हम लोग ने रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो एकदम प्रो के जैसे माशाल्लाह. थैंक यू. एंड बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करते हुए. और मेरा दोस्त विशाल भी, हम बहुत हेल्प किया उन्होंने पूरा अरेंजमेंट चेंज किया. totally. बहुत विदाउट हिम इट वुडंट हैव साउंडेड एनीवे क्लोज. एब्सोल्युटली. या एक्सपीरियंस अच्छा था ओवरऑल. सॉरी, कितने व्यूज आ चुके हैं? रियली इतने जल्दी 2.5K? अभी तो लॉन्च हुआ गाना कुछ घंटों पहले. आई एम वेरी हैप्पी. अगर ऐसा रिस्पॉन्स मिला है तो आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज काफ़ी लोगों को ऐसा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है. एंड मैं एक्टर हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ. एज अ हॉबी मैं अपने आप को मेरे गाने के पैशन को सराहने के लिए मेरा अटैम्प्ट है. सो आई एम वेरी हैप्पी. बहुत शुक्रिया सबको. फैमिली के लिए ये गाना सस्पेंस था. पहला वाला गाना भी सरप्राइज था. मेरी मॉम जानती थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि मैंने क्या गाया है, कौन सा गाना गाया है. बट राइट नाउ शी इज़ टेक्स्टिंग मी दैट शी इज़ थ्रिल्ड विद द सॉन्ग. एंड इस बार जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, वो मैंने बिना रिहर्सल्स के, बिना कुछ प्रैक्टिस किए, मैंने ऐसे ही मैंने गा दिया था. बस कुछ प्रैक्टिस के, कुछ रिहर्सल्स करके मैंने लॉन्च कर दिया था. बट इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत ली. हिंदुस्तानी क्लासिकल द्रुपद में मैंने थोड़ा सा ट्रेनिंग लिया. मेरे गुरु हैं मनोज सराफ, इंदौर से. मुंबई में आते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, तो उनसे मैं सीख रही हूँ. एंड आई होप मैं आगे भी सीखूँ, बिकॉज़ ये एक्चुअली एक साधना है. आपके वॉइस को मेंटेन रखना, ये बहुत ही बड़ा, मैं बोलती हूँ एक्टिंग से भी बड़ा चैलेंज है. सिद्धार्थ के साथ तो बहुत इजी बॉन्डिंग रही है. जैसे कि उन्होंने कहा, वी नो ईच अदर, ऑल्दो वी नॉट रियली हंग आउट टुगेदर, बट वी नो ईच अदर. मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा है, लाइव परफॉर्मेंस देखा है. ही इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी पावरफुल वॉइस. बॉलीवुड के लिए भी गाना उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं. एंड इनका रॉक बैंड है, रॉक इनकी स्पेशलिटी है. या व्हाटएवर, सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. एंड आई हैव नेवर रियली संग विद समबडी लाइक हिम. हाँ जी, रीमेक करना है तो ओ माय गॉड, आई सीरियसली डोंट नो. बट यही तो गाना है, यही तो लता मंगेशकर का गाना है जो मैंने अभी वापस गाया है. सो नहीं, प्रेशर तो नहीं था, बट नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं था. जस्ट दैट मैंने अपना सिंगिंग स्टाइल जो है थोड़ा सा मैंने बदल दिया, बिकॉज नॉर्मली मेरा थोड़ा सा कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, तो उसे मुझे थोड़ा सा बदलना पड़ा. बट आई थिंक आई एम प्रीटी वर्सेटाइल लाइक दैट, अडैप्ट करने में आई एम प्रीटी वर्सेटाइल. आई हैव ऑलवेज बीन वर्सेटाइल, सो मुझे दिक्कत नहीं हुई. हाँ, बहुत अच्छी बात है. ये जो ट्रेंड है, मोस्टली कोरियन फिल्म इंडस्ट्री में ये ट्रेंड है कि एक्टर्स सिंग भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं. यहाँ पे बहुत रेयर है,
and I'm very fascinated with actors who can sing. Very, very fascinated with them. Aur gin chun ke kuch hai, Ayushman Khurana hai, Ali Zafar hai, and I'm a huge fan of both of them. So I really like it if an actor can sing. Ali Zafar ke saath. क्योंकि उनके सारे गाने मुझे पसंद आते हैं. जो अभी उन्होंने डियर जिंदगी के लिए गाना गाया था वो भी बहुत बेहतरीन था.